बांगर मृदा, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र। वो भाग गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वो भाग जहां नदियों के पहाड़ का जल नहीं पहुंच पाता, वहां की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता। इसका अन्य नाम उपहार मृदा, दोमट मटियार, बलुई दोमट या मटियार दोमट। इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। हम पढ़ रहे हैं बच्चों उत्तर प्रदेश जीके, इसमें हम पढ़ रहे हैं मृदा के बारे में। उत्तर प्रदेश में मृदाएं मिट्टी, बांगर मृदा गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वो भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, वहां की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसे उपहार मृदा, दोमट मटियार बलुई दोमट या मटियार दोमट इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमचेरिया पर। कठिन अभ्यास निश्चित सफलता। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कमेंट जरूर करें। ये मिट्टी का दूसरा प्रकार पश्चिमी मिट्टी का खादर हो गया और दूसरा प्रकार बांगर पश्चिमी जो मिट्टी हमारे उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रकार की मिट्टी थी उसका दूसरा प्रकार बांगर मिट्टी का दूसरा प्रकार है। ये मिट्टियां परिपक्व मतलब पूरी तरीके से पकी हुई या मैच्योर तथा अधिक गहरी होती। ये मिट्टियां परिपक्व और अधिक गहरी होती है। सघन कृषि और अव्यवस्थित प्रबंध के कारण इन मिट्टियों में इन मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही किसकी वजह से? अव्यवस्थित प्रबंध के कारण, सघन कृषि के कारण इन मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही। इन घटकों वाले खाद की
अधिक आवश्यकता इनको पड़ती है, जबकि खादर में नहीं पड़ती है, बांगर में पड़ रही है। हमने बताया था ना कि खादर को किसी प्रकार के खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन के कारण इन घटकों वाले खाद की आवश्यकता इनको पड़ती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस कम है, इसलिए इनको घटक नाइट्रोजन और घटक फास्फोरस की खाद जो होगी वो ज्यादा आवश्यक। अब हमारा जो तीसरा क्षेत्र था मिट्टी का, जो विभाग था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टियां और पाई जाती है, लवणीय या तथा क्या था, ध्यान दीजिए, क्षारीय मृदाएं। लवणीय और क्षारीय मृदाएं हमारी तीसरी मृदा थी। उत्तर प्रदेश में जो मृदा का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें बताया गया था मृदा के प्रकार, इसमें दूसरा प्रकार था पश्चिम तटीय मृदा है और तीसरा प्रकार हमारा है लवणी और क्षारीय मृदा है, मतलब एसिडिक और बेसिक सॉइल। बांगर मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो बांगर मृदा क्षेत्र, इस क्षेत्र में भूमि समतल होने के कारण और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने और नहरों से सिंचाई किए जाने और यहाँ इस क्षेत्र में वर्षा की कमी, कितने फैक्टर देखते जाइए आप, वर्षा की कमी और एसिडिक वाटर मतलब लवण युक्त जल, इसी जल से सिंचाई तो क्या वहां पर मिलेगी उपजाऊपन, और अधिक सिंचाई हो जाने के कारण कि वो प्लेन है और पानी का कोई निस्तारण क्षेत्र नहीं है तो पानी वहीं जमा होता है, अधिक सिंचाई हो जाती है और जुताई एक ही गहराई तक करते रहने के कारण और बेसिक फर्टिलाइजर के लगातार उपयोग करने के कारण आदि कारणों से, इतने कारण हैं कि क्षारीय उर्वरक के प्रयोग, जल निकासी का उचित प्रबंध होना, नहरों से सिंचाई किए जाना, वर्षा की कमी होना, लवणयुक्त जल होना और उसे सिंचाई और सिंचाई की अधिकता होना, जुताई एक ही गहराई तक करते रहना और क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि बंजर हो चुकी, इस सब कारणों से लगभग 10% भूमि बंजर हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश के एरिया बता रहा हूं मैं, कहां कहां पर है ऐसी, अलीगढ़, लवणी और क्षारीय मृदा है, मैनपुरी,
नाव में एटा इटावा रायबरेली सुल्तानपुर प्रतापगढ़ ऐसे मृदा कहां कहां है सोच नहीं सकते। वाराणसी के बाद जौनपुर भी प्रयागराज आदि ऐसी जगहों पर ये मृदा है। प्रयागराज आदि जिले में पाई जाती है। जिलों में लवणीय और क्षारीय मृदाएं पाई जाती है। प्रश्न आपका आ जाएगा बच्चों, आपको बताना है इसे। और कैसे होती है, इसे रेत एवं इसे रेत और क्या नाम है बंजर और कल्लर भी बोलते हैं इसको। ऐसी धरती को क्या बोलते हैं, कल्लर नामों से भी जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं, इसी का नाम रे है, इसी का नाम बंजर है, इसी का नाम कल्लर है। ऐसी भूमि को लवणी और क्षारीय मृदा है, मतलब बंजर है उसर है। आप लोग मेरी रिवीजन बुक निकाली बच्चों, मैं रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे लेक्चर में। आप देख रहे हैं कॉमटेरिया, आपके सारे सवालों का, आपके सारे कंफ्यूजन का सलूशन है कॉमटेरिया का ये लेक्चर। सॉइल मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप यू ऑल नोट डाउन द रिटन टॉपिक। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र की मिट्टियों में खादर मृदा के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज हम बांगर मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं कि गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वो भाग जहां नदियों के बांध का जल नहीं पहुंच पाता है, वहां की मृदा को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसको अन्य नामों की हम चर्चा करें तो इनको उपहार मृदा, दोमट मृदा, मटियार बलुई दोमट मृदा या मटियार दोमट इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये मिट्टियां परिपक्व होती हैं और अधिक गहरी होती हैं। सघन कृषि और अत्यधिक अव्यवस्थित प्रबंध के कारण इन मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती जा रही है और इन घटकों वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले खाद की अधिकता की आवश्यकता इनको पड़ती है। लेकिन खादर मृदा को खाद की जरूरत नहीं पड़ती थी, बांगर मृदा को नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी की वजह से इनके घटक वाले खादों की जरूरत पड़ती है। अगली मृदा है मेन जो हमारा टॉपिक था, उसकी तीसरी मृदा है लवणी और क्षारीय मृदाएं। बांगर मृदा क्षेत्र में भूमि समतल हो और जल निकासी का उचित प्रबंध न हो और नहरों से सिंचाई किए जाने के कारण और वर्षा की कमी होने के कारण लवण युक्त जल होने के कारण एसिडिक वाटर है उसे सिंचाई कर दे रहे हैं और अधिक से अधिक सिंचाई कर देने के कारण जुताई एक ही गहराई तक करते रहने के कारण और क्षारी उर्वरकों के लगातार प्रयोग के कारण क्या बेसिक फर्टिलाइजर उसमें डाल रहे हैं कि लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। ऊसर बंजर जो कि यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, उन्नाव में, एटा में, इटावा में, रायबरेली में, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, जौनपुर में, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। ये मृदा है लवणीय या तथा क्षारीय मृदा। इसे रे बोलते हैं। इस मिट्टी का नाम क्या है, रे भी है, बंजर भी है, कलर भी है। सारी मृदाओं का नाम है लवणी या क्षारीय मृदा, ये सारे इसके पर्याय। अगली जो हमारे पास मृदा है मरुस्थल मृदा, आई होप यू ऑल नोट डाउन। चौथी हमारे पास प्रजाति है मरुस्थल मृदा की उत्तर प्रदेश में।
रेतीली भूमि आपने कभी देखी आगरा मथुरा की, वही है मरुस्थली मिल रहा। आगरा मथुरा साइड में हमारे फिर अलवर लग जाएगा, वहां से वही राजस्थान के बॉर्डर पे जो जिले हैं। चौथा हमारे पास जो है मृदा है, मिट्टी है, मरुस्थली मृदा। मरुस्थल हाँ, यूपी के कुछ पश्चिमी जिलों, यूपी के कुछ पश्चिमी जिलों मथुरा, आगरा, अलीगढ़, में पश्चिमी जिलों में पाई जाती है मरुस्थली मृदा। शुष्कता व भीषण ताप के कारण चट्टाने विखंडित होकर, शुष्कता और भीषण ताप के कारण चट्टाने विखंडित होकर बालू के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। बालू के कणों परिणत हो जाती है, मतलब रिजल्टेंट यही मिलता है कि वो बालू के कण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें एसिड मिलता है, लवण और फास्फोरस मिलता है। क्या मिलता है? फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लवण और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया, लेकिन जीवांश, जीव का अंश और जीवांश पदार्थ और नाइट्रोजन का अभाव होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। जीव नहीं होते उसमें, मरे खपे जीव नहीं मिलते हैं, और नाइट्रोजन का अभाव होता है जब वहां स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज बहुत कम जाती है, खार भी तो वहां मिलेगा ही नहीं, और सिंचाई द्वारा कुछ मोटे अनाज है, मोटे आप जानते हैं राजस्थान इलाके में और पश्चिमी यूपी एकदम अनाजों की खेती की जाती है, तो यहाँ इस तरह की अनाज की खेती की जाती है। हालांकि अनाज बहुत फायदेमंद हो जाती है हमारे हेल्थ के लिए। मरुस्थली मृदा जो चौथे प्रकार की मृदा है उत्तर प्रदेश की, जब भौतिक विभाग के आधार पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे मृदाओं को उत्तर प्रदेश की, तो हमने देखा कि एक मृदा मिली हमें मरुस्थली मृदा, कि उत्तर प्रदेश से कुछ पश्चिमी जिलों जैसे कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़ इत्यादि में पाई जाने वाली और शुष्कता और भीषणता के कारण ऐसी मृदाओं में चट्टाने विखंडित हो जाती हैं और बालू के कणों में परिणत हो जाती है, बालू के कणों में परिणत हो जाती है, और इसमें एसिड फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, एसिड और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जीवांश पदार्थ और नाइट्रोजन का अभाव, नाइट्रोजन का अभाव किसका अभाव होता है मरुस्थली मृदा में? नाइट्रोजन का अभाव। नाइट्रोजन का अभाव मतलब नाइट्रोजन कम रहती है, 1% 2% बस, 0.1% नाइट्रोजन, N लाफिंग गैस का फार्मूला क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसी से बनता है। नाइट्रोजन का अभाव
होता है मरुस्थली मृदा में जो कि यूपी के कुछ पश्चिमी जिलों मथुरा आगरा अलीगढ़ में पाई जाती है। शुष्कता और भीषणता के कारण ऐसी चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में परिणित हो जाती है और इसमें लवण फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एसिड होता है, फास्फोरस होता है, लेकिन उसमें जीवाश्म पदार्थ, जीव के मरे खपे, सड़े गले, दबन हुए जीव यहाँ पर नहीं मिलते, जीवांश नहीं मिलते, तो नाइट्रोजन की बहुत ही कम मात्रा मिलती है और नाइट्रोजन भी बहुत कम रहता है और सिंचाई द्वारा कुछ मोटे अनाज यहाँ पर जैसे कि खेती की जा सकती है। कैसे अनाजों की किसी खेती मोटे अनाज की खेती ध्यान दीजिए, हमने बोल रखा मोटे अनाज की खेती किसमें करते हैं, मोटे अनाजों की खेती करते हैं मरुस्थली मृदा। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर मैं फिर आऊंगा, तब तक जय हिंद जय भारत। कठिन अभ्यास करो तुम, ये रण है तुम्हारा, अब जो चूक गए तो सफलता का कण है, तुमसे विलग, लेकिन तुम ये अभ्यास करो, लेकिन तुम फिर से प्रयास करो। देखिए एक और इंफॉर्मेशन है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड नेक्स्ट वीक में आएगा, अगले हफ्ते एसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड आएगा और जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको अनंत शुभकामना, उनका भविष्य सफल हो, का भविष्य सफल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की अनंत शुभकामनाएं, आप लोग का भविष्य निश्चित सफल हो और आप लोगों को जो भी उत्तर प्रदेश जीके का क्वेश्चन मिले वो एकदम कर जाइएगा, आप है कॉम क्रिया के स्टूडेंट का चेष्टा को ध्यान स्वान निद्रा तथा उच्चार अल्पहारी रीत्या विद्यार्थी पंचलक्षणम, याद रखिएगा। जय हिंद जय भारत।